देखो यूपीएसआई का मतलब होता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो प्राइस पर आपका इफेक्ट डालती है। जैसे कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है तो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद होती है, किसी के लिए नुकसानदायक होती है। ऐसे कोई इंडस्ट्री में किसी कंपनी की कोई पॉलिसी आने वाली है तो उसका प्राइस पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो इम्पैक्ट किस तरीके जा रहा है, अगर पॉजिटिव जा रहा है तो उसके जो कुछ रिलेटिव पर्सन होते हैं उसको इन्फॉर्मेशन दे के, मतलब अभी मार्केट में लोन से नहीं हुई इन्फॉर्मेशन। आप एक पढ़ते हैं ना कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट या कैपिटल मार्केट इज परफेक्ट, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है कि जब एक इन्फॉर्मेशन आ रही है ना तो सबको बराबर सुनाई देगी या दिखाई देगी। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो एक कोई कनेक्टेड पर्सन उसका कोई एम्प्लॉय हो सकता है, एक्स एम्प्लॉय हो सकता है, अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं यूपीएसआई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जिससे वो अपना डिसीजन ले सके। मान लो लॉस होने वाला तो पहले ही अपनी सिक्योरिटी को बेच देगा, प्रॉफिट होने वाला है तो और ज्यादा बाई कर लेगा। बात समझ में आई? इसी चीज को जब इन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है बाइंग एंड सेलिंग का, तो इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। आगे समझ में, क्या बोलते हैं? और इनसाइडर कौन हुआ, इनसाइडर का मतलब हुआ देखो कोई भी कनेक्टेड पर्सन हैविंग एक्सेस टू अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिसके पास इंफॉर्मेशन आप लोगों के, मतलब आप कंपनी में हो और कंपनी की इंफॉर्मेशन आप बाहर लीक कर दे, तो वो क्या हो गया आपकी यूपीएसआई में एक कनेक्टेड पर्सन हो गए। कनेक्टेड पर्सन कौन हो सकता है, देखो वो आपका हो सकता है कोई भी डायरेक्टर हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा विसल ब्लोअर, सुना है ना वर्ड विसल ब्लोअर, मतलब क्या होता है? अच्छा, इतना अच्छा आदमी है उसको आपने बुरा कर दिया। कनेक्टेड पर्सन है ना, इनसाइडर ट्रेडर वो हो गया आपका, ये जो आपको लीक करता है। विसल ब्लोअर कौन हुआ, देखते हैं अभी कौन होता है। बाकी होता है अच्छा आदमी है वो, अच्छा आदमी मतलब वो शिकायत करता है इस चीज की, ये जो उसको पता लग जाता है। विसल ब्लोअर ब्लो करता है बताता है कि इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है। किसको बताएगा, टॉप अथॉरिटी को बताएगा, बाहर मीडिया को बताएगा, बता सकता है, मतलब ऑप्शन है उसके पास। कंपनी को शिका वो कंपनी उसको शिकायत करेगा, जो एनसीएलटी को करेगा, कंपनी लॉ में करेगा, रजिस्ट्रार को बताएगा, मीडिया में बताएगा, तो ये सारी चीजें क्या होती है, वो विसल ब्लोवर का काम होता है। ठीक है, आगे समझ में, यूपीएसआई बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि जो आपकी प्राइस पर आपका इफेक्ट डालेगी। अब आया विसल ब्लोइंग, पहले तो ये राल्फ नेडार ने कंसेप्ट दी थी विसल ब्लोवर की, ब्लोइंग की। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, एक विसल ब्लोवर कौन है, इज अ पर्सन हु एक्सपोज एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्टिविटी दैट इज डीम इलीगल अनएथिकल और नॉट करेक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आइदर आपका प्राइवेट और पब्लिक। क्या कर रहा है देखो, ध्यान से सुनिए, एक जो विसल ब्लोअर है उसको पता लग गया कि ये इलीगल एक्टिविटी हो रही है, अनएथिकल हो रही है। हम बढ़ रहे हैं अभी बिजनेस एथिक्स के रिगार्डिंग, तो बिजनेस एथिक्स में क्या, बिजनेस के एथिक्स है, कौन उसको फ्रॉड कर रहा है तो कौन बताएगा। तो हमने देख लिया कि एक यूपीएसआई होता है जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए काम करता है, इनसाइड कनेक्टेड पर्सन होता है। अब इसको कोई एक्सपोज कर रहा है, एक्सपोज करेगा उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। ठीक है, और एक्सपोज करने की प्रोसेस को बोलते हैं विसल ब्लोइंग। ठीक है, क्या कर रहा है, कोई भी अनएथिकल, कोई इलीगल, जिस तरीके की ऐसी एक्टिविटी जो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं है, लॉज के अकॉर्डिंग नहीं है, एथिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उसको वो प्राइवेटली या वो पब्लिकली, प्राइवेट का मतलब है की पर्सन को बता दे, और पब्लिक की मतलब होता है मीडिया में ही बता दे। दो बातों में फर्क हो गया ना, एक तो हम कहे कि पब्लिकली बता रहे हो, पब्लिक में सबको पता लग गया कि कंपनी फ्रॉड कर रही है, और एक क्या हुआ, एक हुआ कि प्राइवेटली जिस इन्फॉर्मेशन है तो उस कंपनी के सीईओ को बता दे, तो ये क्या हुआ आपका प्राइवेटली वो इन्फॉर्मेशन को दे दे, तो विसल ब्लोवर उन फ्रॉड को बताता है, एक्सपोज करता है ये चीजें गलत हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन वो बिल्कुल आपका बता देता है कि जिसको भी इसने बतानी है। ठीक है, ही रिपोर्ट्स दिस एक्ट टू समवन हु इज इन ए पोजीशन टू टेक एक्शन, उसको बताएगा जो एक्शन लेने की पोजीशन में होता है। ठीक है, विसल ब्लोइंग कैन हैपन इन पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइज, कैसे भी बता सकता है, ये भी बता दिया आपने, दो तरीके का होता है। देखो एक तो होता है एक्सटर्नल और एक होता है आपका इंटरनल। अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन बाहर की पार्टी को दे, जैसे यहाँ पर लिखा कि सेबी को दे दे, एनसीएलटी को दे दे, मीडिया को दे दे, तो ये क्या होगा आपका एक्सटर्नल।
और इंटरनल में क्या हुआ कि वो अब इसकी अथॉरिटी किसी टॉप अथॉरिटी, इसकी इंफॉर्मेशन टॉप अथॉरिटी को दे, तो वो क्या हुआ इंटरनल। ठीक है, एक होता है ओपन और एक होता है एनोनिमस। मतलब ओपन का मतलब उसकी आइडेंटिटी बता दे, इस आदमी ने बताया भाई ये सारी चीजें, और एनोनिमस का मतलब उसको सीक्रेट रखे, बताया नहीं, बस ये बता दिया पता कैसे लगा। ठीक है, और इससे देखो होगा क्या कि गुड विसल ब्लोअर पॉलिसी टू ऑर्गेनाइज। देखो अब एक ना ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह सकता है भाई, जो भी कोई ऐसे फ्रॉड को बताएगा ना तो हम उसको भाई मतलब एक मतलब वो देंगे, रेपुटेशन देंगे, एंड देन कुछ जो रिवार्ड है, प्रमोशन, वो चीज़ें मिलेगी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली काम करता रहे, है ना। तो उसमें देखो बेनिफिट क्या है, देखो विसल ब्लोअर पॉलिसी की क्या क्या बेनिफिट है भाई, शेयर कॉन्फिडेंस, मतलब क्या एनहेंस शेयर कॉन्फिडेंस, उनमें मतलब क्या होगा कि कॉन्फिडेंस भी आपका इंक्रीज होगा, वो भी कर सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ होगा कि वो शेयरिंग में आपके इजीली आपका इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है, इफेक्टिव फुलफिलमेंट हो पाएगी CSR की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्योंकि एक ये चीज़ होगी कि भाई कोई भी बता सकता है, तो फिर कंपनी क्या करेगी अपने अच्छे से काम करेगी, ये भी ठीक है। एक्सपोजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सर्टेन टाइप ऑफ रिस्क सच एज माल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड, करप्शन, ये सारी बातें पता लग जाएगी क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, अगर अच्छी पॉलिसी, ये लिखा हुआ है, अगर आप गुड विसल ब्लोअर पॉलिसी आप अडॉप्ट करते हैं तब की बात है, आप लीगल एक्शन को रोक पाएंगे अगर आप ये चीज़ कर रहे हो। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर उनके इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ये आपके क्या है बेनिफिट्स मतलब हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप अच्छी विसल ब्लोअर पॉलिसी आप लेके आते हो। ठीक है, ओके okay, उसके बाद ना विसल ब्लोअर लॉज कौन कौन से है, तो ये इतनी ज़्यादा नीड नहीं है आपको कि कौन कौन से हैं, हमें तो मतलब पता होना चाहिए, वो भी ठीक है। जो आपके काम की बात है, ये बात सारी वही कह रहा है कि वो कंप्लेंट कर दे, उसको प्रोटेक्ट करा जाएगा, ये सारी बात सेबी ने सबने यही कहा है। इसका बस एक्ट याद कर लो, एक तो एक्ट है इसका विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011, ठीक है, और ये ना क्वेश्चन आया था पहले एक बार, उसमें आ गया अपने नेट के में ही आ गया कि क्या कहना मतलब इसकी क्या क्या एक्ट थे, क्या क्या कर सकता है वो। तो देखो इसके जो प्रोविजंस है वो है कि द एक्ट सीक्स टू प्रोटेक्ट पर्सन, उसको प्रोटेक्ट करेंगे मेकिंग ए पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर रिलेटेड टू एन एक्ट ऑफ करप्शन और मिस यूज ऑफ पावर और क्रिमिनल ऑफेंस बाय ए पब्लिक सर्वेंट, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, जैसे कोई भी एक्सपोज करे तो ये एक्ट करता है विसल ब्लोअर के लिए, ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट ये 2011, और उसको क्या किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए उस एक्टिविटी से। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज एम्पावर्ड, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो एम्पावर्ड है टू रिसीव कंप्लेंट्स, रिक्वेस्ट एंड सेफगार्ड ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसको क्या अथॉरिटीज है, कौन किसको, इसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। ठीक है, ओके, एवरी कंप्लेंट हैज टू इंक्लूड द आइडेंटिटी ऑफ कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंटर है उसका, उसकी आइडेंटिटी होगी किसने कंप्लेंट की है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इट अनश्योर कॉन्फिडेंशियली ऑफ द कंप्लेनर, जो भी कंप्लेनर है आपका उसको क्या करेंगे कॉन्फिडेंशियली रखेंगे जब तक वो नहीं चाहेगा। ठीक है, देखो ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द पेनलाइज एनी पब्लिक ऑफिसर हु रिवील्स आइडेंटिटी, अगर उसकी आइडेंटिटी कोई रिवील करेगा तो उसको क्या किया जाएगा पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका, ओके okay, उसके बाद देखो कुछ कमेटी आई, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कौन सी कमेटी सबसे ओल्डेस्ट कमेटी है, तो वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट कमेटी है ना वो है आपकी कैडबरी कमेटी रिपोर्ट 1992। सबसे ओल्डेस्ट कमेटी कौन सी आपकी, कैडबरी कमेटी रिपोर्ट 1992। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो कमेटी बनी, एक आपकी बनी ग्रीनबेरी, कौन सी बनी कैडबरी के बाद ग्रीनबेरी रिपोर्ट 1995, ये ना यूएसए की कमेटी थी भाई, ये याद रखना, ये यूके की। ठीक है, ये यूएसए की और ये आपकी यूके की 1995 में जो है, एक आई हैम्पल रिपोर्ट 1998 में यूके में। ठीक है, अपने में क्या क्वेश्चन आता है आप सुनेंगे तो आप ये कहेंगे कि ओल्डेस्ट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमेटी वो कैडबरी कमेटी रिपोर्ट 1992। देखो सबने बात वही कही कि एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में कैसे कैसे आया, इंडिया में देखिए आपका ये सब चीजें और एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आए हैं इससे। एक तो सबसे पहले आया CII का, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री वॉलंटरी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 1998 में। अब मैचिंग में क्वेश्चन क्या आएंगे देखो ध्यान से सुनना,
सबसे पहले जो कमेटी आई वो आई आपकी सेबिस बिरला, कुमार बिरला कमेटी, चेयर्ड बाय कुमार मंगलम बिरला 1999 में। सबसे पहले क्या आई है आपकी ये वाली जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का वॉलंटरी कॉर्पोरेट गवर्नर 1998 में। इसके बाद क्या है आपका सेबिस बिरला कमेटी चेयर्ड बाय कुमार बिरला 1999 में, ठीक है। और तीसरी कमेटी नरेश चंद्रा कमेटी 2002 में, और फोर्थ आपकी नारायण मूर्ति कमेटी सेबी की 2003 में। एग्जाम में आया, आरपीएससी में भी आया, एचपीएससी में भी आ चुका है, नेट में कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। और भी मतलब बहुत सारे पब्लिक उसमें आते हैं कि इसको मैचिंग में कि ऐसे भी आ जाता है कि ईयर वाइज वो करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है। तो देखो ओवरऑल देखी जाए ना तो आपकी जो कैडबेरी कमेटी 1992 में वो आई, फिर आई आपकी ग्रीनबेरी, फिर हम्पल, और ये फिर आपके इंडिया में बात की जाए तो देखो कुमार बिरला की, मंगलम बिरला की सबसे पहले 1999 में, नरेश चंद्रा की 2002 में, नारायण मूर्ति की 2003 में। ये आपकी सीआई की आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक वॉलंटरी कोड आया, ठीक है। और एक ये आया क्लोज 49, ये भी याद रखना क्लोज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, ये ना सेबी का था, ठीक है, रिवाइज बाई सेबी इन 2014। एक ये था क्लोज 49 का याद रखना। और लास्ट जो कमेटी आई वो आई उदय कोटक कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2018 में, ठीक है। इसकी 81 रिकमेंडेशन थी, 81 में आपकी क्या हुआ था 40 को तो मान लिया गया था और 16 को ना अमेंडमेंट के साथ मान लिया गया, 25 को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया था। जो ये देखते हो ना कोटक महिंद्रा, मुथूट फाइनेंस, कोटक महिंद्रा का आप देखते हो तो वो यही था वो, ठीक है, उसी की चेयरशिप में था ये, ठीक है। तो ये कमेटीज आई है उसमें आपके, ठीक है। और सबका देखो इन्होंने क्या बताया कि क्या रोल होते हैं बोर्ड का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही तो है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बोर्ड का क्या क्या है, तो ये सारी वो चीज है। ग्रीनबेरी की रिपोर्ट सबकी एक जैसी है, रिमुनरेशन का क्या होगा, सबने एक जैसी बात कह रखी है, कौन एग्जीक्यूटिव बार वो होगा, ठीक है। एक इसकी थोड़ा नारायण मूर्ति की, और एक आपका ये जो है लास्ट वाली जो कोटक महिंद्रा कमेटी, इसकी रिकमेंडेशन आप पढ़ लो। देखो इसमें क्या इम्पोर्टेंट आई थी, देखो मुकेश अंबानी ना जैसे कि कंपनी का सीईओ भी था और मैनेजिंग डायरेक्टर, दो पोस्ट था। इन्होंने कहा कि ये जो रोल है ना इसको सेपरेट कर दो कि एक पर्सन दो पोजीशन पे नहीं रह सकता, ठीक है। तो यानी वो या तो चेयरमैन बन जाए है ना, या फिर क्या बन जाए, मतलब वो क्या बन जाए, मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाए, इनमें से एक पोस्ट ले लो आप। पहले दोनों एक था, वो चेयरमैन भी हो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो, इवन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर वो सारी वही बात हो गई। अब देखिए आप कि सारी पोजीशन दे के बैठा है की पोजीशन, तो उन्होंने कहा कि सेपरेट करो, या तो आप चेयरमैन ही बने रहो या फिर आप मैनेजिंग डायरेक्टर, तो एक ही पोस्ट आप ले सकते हो, ठीक है। एक बोर्ड स्ट्रेंथ थी ना उसको क्या किया गया, पहले 3 से करके 6 कर दिया गया, जिसमें एक वीमेन एक वीमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगी, ये भी किया गया, इसको भी मान लिया गया, ठीक है। एक और चीज थी बोर्ड मीटिंग, इसको ना 4 मीटिंग एटलीस्ट 5, ठीक है, हाँ ये रही आपकी, ये पहले 4 मीटिंग थी, अब 5 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए लिस्टेड कंपनीज की, ये इसकी एक रिकमेंडेशन थी, ठीक है। एक ये था कि मीटिंग ना 5 मीटिंग आपके एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आया आपके पास एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड मेंबर्स आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ये भी इसकी एक रिकमेंडेशन थी। और स्पेशल रेजुलेशन आपका रिक्वायर्ड हो, कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसकी एज 75 ईयर से ज़्यादा हो। अच्छा रेजोल्यूशन की बात करें हम तो क्या होते हैं रेजोल्यूशन, जो आप न्यू ईयर पे लेते हैं वो है? एक तो होता है ऑर्डिनरी और एक होता है स्पेशल, और एक और होता है स्पेशल रेजोल्यूशन विद नोटिस। 3 तरीके के रेजोल्यूशन होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है जब आप मेजोरिटी से पास कर ले, जैसे आपके 100 वोट पड़ी तो 51 आ जाए आपके पास, आप मेजोरिटी में आ गए, 60 वोट पड़ी 31 आ जाए मेजोरिटी में आ गए, दो जने हैं तो या दो बात है। तो एक होता है स्पेशल, जब आपके पास
3-4 75% वोटिंग आपके पक्ष में आई तो आपका स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन विद नोटिस का मतलब होता है कि आपको ना जब भी एक कोई भी मीटिंग करनी हो तो उस जो रेजोल्यूशन जिस मीटिंग में पास होने दो उसको डायरेक्टर को नोटिस दो एटलीस्ट 14 डेज का कि भाई मीटिंग है उसको बताओ कि 14 दिन के बाद ये मीटिंग होने वाली है, एटलीस्ट 14 डेज दे दो आप एक महीने पहले का, तो एटलीस्ट आपका 14 डेज का आपको रेजोल्यूशन देना है। ठीक है, आगे समझ में। ओके, मीटिंग की बात की जाए तो मीटिंग एक तो होती है शेयर होल्डर्स की मीटिंग, तो शेयर होल्डर में होती है आपकी एक स्टेच्यूटरी मीटिंग जिसको हम बोलते हैं कि जो आपको वन टाइम आपकी लाइफ में एक बार होती है, पढ़ी होगी आपने, है ना, 9 महीने के अंदर आपको करनी होती है वो। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, जब कंपनी एक्ट 2013 आया तो उसमें ऑटोमेटिकली उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि भाई वो मैंडेटरी है नहीं। वो 1956 तो आपको कह रहा था कि भाई वो मैंडेटरी है, ऑटोमेटिकली कहता है कि क्या कहता है वहाँ पर 9 मंथ था, ये कहता है कि जो आपकी जो मीटिंग है ना उसमें 18 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अभी इन्होंने ये कह दिया सीधा क्या कि जब अभी कोई कंपनी फॉर्मेशन होगी तो उसमें 9 मंथ की में अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए। तो बात तो वही है कि स्टेच्यूटरी मीटिंग तो आपको करनी पड़ेगी। दो मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा गैप कितने का हो सकता है, शेयर होल्डर की मीटिंग में 18 मंथ्स का, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में 120 दिन का। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ना ऐसे है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग एटलीस्ट 4 या 5 भी हो गई है, 4 तो अभी भी है, ठीक है। अब क्या है, दो मीटिंग के बीच में इससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 120 डेज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, 120 दिन के अंदर आपकी मीटिंग हो जानी चाहिए। शेयर होल्डर की मीटिंग आपको मैंने कहा 18 मंथ्स के अंदर आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। और चीज़ आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ये, एक तो होती है एनुअल जनरल मीटिंग जिसको हम बोलते हैं AGM, AGM साल में एक बार होती है, और AGM के अलावा जितनी भी सारी मीटिंग होती है वो कौन सी होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, सारी कौन सी होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जितनी भी करोगे, AGM के अलावा सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, है ना। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एटलीस्ट 4, मतलब 4 तो करेंगे आप, और 120 दिन का मैक्सिमम आप गैप, ज़्यादा गैप नहीं कर सकते, ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो इसके साथ ही आपका ये जो था सेशन किसका,